अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक होंगे? आज है बारात और बारात के लिए हम लोग उठ चुके हैं, नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है। सर्दी बहुत ज़्यादा है और मैंने सुना है कराची में बहुत मज़े की बारिश हुई है कल, इतनी 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 कि पूरा कराची लिटरली डूब गया है। तो इतने मज़े की वहाँ बारिश हो रही है और हम यहाँ पे, खैर हम भी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ के, इतनी अच्छी सर्दी है जो हम लोग को कराची में नहीं मिलती है। तो आज है बारात और बारात की तैयारियां स्टार्ट है, तो हम जल्दी से अभी तैयार होते हैं। स्किन मैंने अभी फेस वॉश करके आई हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ। सबसे जो बुरा हाल होता है ना, वो जब आप वॉशरूम जाते हो, ओ हो, इतना कोई ठंडा बर्फ पानी होता है ना कि आपकी तो हालत तेजार बुरी हो जाती है। खैर अभी हम उठ चुके हैं, नींदें क्योंकि पूरी नहीं हो रही, तो ये डार्क सर्कल्स और ये सब चल रहे हैं अभी। जल्दी से क्विक सा हम मेकअप करते हैं अपना, क्विक सा नहीं खैर अभी, क्योंकि हमें 5 बजे जाना है। वहाँ पे सेहरा बंदी है, सारी चीज़ें हैं, उसके लिए हम लेट ना हो जाएं। पीछे ये सारा मैसेज, सॉरी ये पूरा आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है? तो अच्छा, सेहरा बंदी है 5 बजे, 5 बजे हमें जाना है, तो अभी बज चुके हैं 3। तो अभी थोड़ा बहुत मैं स्टार्ट करती हूँ तैयार होना, होपफुली उस टाइम तक हम लोग तैयार हो जाएंगे और लेट नहीं होंगे। तो जल्दी से मैं अपना लुक करती हूँ और आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरी व्लॉग्स देखते रहिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वाले जो नया शादी व्लॉग चल रहा है ये कैसा लग रहा है। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके अपलोड करूँगी सारे, तो होपफुली आपको इस ये वाले व्लॉग्स अच्छे लगेंगे। तो चलें अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपनी स्किन प्रेप कर चुकी थी, ठीक है? अभी मैं आईज को थोड़ा सा कंसील कर रही हूँ और उसके बाद हम अपना जो भी आज का लुक होगा, हो सकता है आईज को आज इस दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा ना करूँ, थोड़ा बहुत करूँ। ओके, आईज को मैंने कंसील कर लिया है, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से हम डार्क डार्क कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आज हम कौन सा शेड अप्लाई करेंगे। पीछे बहुत मिस्सी मिस्सी हो रहा है, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि शादी वाला घर है, चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं और ये सब चल रहा है अभी, सही है? तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैं अपने ब्रशेज और सब कुछ निकाल लेती हूँ। अभी मैंने प्रॉपर अपना मेकअप रखा नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें इधर से उधर हैं। 1 सेकंड में अपनी सारी चीज़ें लेके आती हूँ। ओके, तो मैं अपनी चीज़ें लेके आ गई हूँ। आज जो मेरा कॉम्बिनेशन है ना, वो है रेड एंड ग्रीन का, ठीक है? तो रेड के लिए पहले तो हम अपना जो फेवरेट ब्रश है वो उठा लेंगे और वही जो मेरा शेड था ये बिल्कुल लाइट पिंक सा, वो हम आइस के कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, सही है? मेकअप में सारी चीज़ें ना ब्लेंडिंग की होती हैं, तो जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका मेकअप होगा। आज का लुक भी थोड़ा सा मेहंदी वाले की तरह होगा, लेकिन मैंने कहा कि आपसे सारी लुक्स अपनी शेयर करती हूँ। आज थोड़ा सा हम लिप कलर चेंज करेंगे, थोड़ा सा हम अपना आई शेड एक और मैं लेके आई हूँ, जो लूज आपका शेड होता है ना, हाइलाइटर लूज में, वो लेके आई हूँ, तो वो आज हम अप्लाई करके देखेंगे कैसा लगता है। मैं मिरर में भी देख रही हूँ क्योंकि जो यहाँ पे है ना, कैमरे में सही नज़र नहीं आता ना। अब जितना भी मेकअप कर लो, मिरर में जो है वो सही नज़र आता है आपको, क्योंकि मेरा रेड और ग्रीन है। रेड मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाह रही, हमने नीचे डार्क पिंक सा कर लिया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ग्रीन सा कोई हम लेंगे शेड, हमारा है थोड़ा सा, आज हमारा थोड़ा मेहंदी ग्रीन है, तो मैं ये वाला शेड लेती हूँ, थोड़ा ये थोड़ा डार्क में आता है ये वाला, ठीक है? और इसको हम अप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे लाइट सा बहुत डार्क ग्रीन नहीं किया है, हल्का सा हमने ग्रीन का शेड लिया वो लगाया। अब हम जो हमारे पास थोड़ा डार्क ग्रीन होगा लाइक दिस,
ठीक है, ये वाला शिमरी है थोड़ा सा, ये सही है, ये हम लगाएंगे। पीट का डार्क कलर अप्लाई कर लेंगे, ये थोड़ा सा शिमरी है। मेकअप मैंने आपको सबको बताया हुआ है कौन कौन सा मैं यूज करती हूँ, या अगर कोई मेकअप सबके पास होता है, आप किसी भी ब्रांड का कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसको लगाने की टेक्निक आपको आनी चाहिए और वो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद ही आ जाती है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वो। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मेरे पास ये नेक्स्ट का ब्रो मस्कारा है, इसको हम लाइट से लगाएंगे, बहुत थिक नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डार्क हो जाएंगी, फिर शेप कर लेंगे। जो पिंक वाला शेड था इसको हम लोअर लिड पे भी कर लेंगे, जितना ज़्यादा ज़्यादा होगा ना। आईलाइनर अप्लाई करेंगे, ठीक है, आईलाइनर मैं रिमल का करती हूँ, सही है। हम इसके बाद करेंगे कोई भी वाइट पेंसिल होगी वो हम अप्लाई करेंगे, सही है। बहुत थिक नहीं लगाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे लाइट से। अपना फेस अप करते हैं, फेस में हम क्या करते हैं, सेम अपनी वो लेते हैं, फाउंडेशन लेते हैं अपनी, उसके अंदर आप थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड करेंगे, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें हाइलाइटर ऐड करेंगे, और इसमें आपने अपना कोई भी जो आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो, आजकल मैं ये कर रही हूँ, कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। मॉइस्चराइज़र आपने इसमें अपना मॉइस्चराइज़र ऐड कर देना है, सही है। और आपको तो ये जो फाउंडेशन है वो हम ऐड कर लेंगे, सही है। ये हमारी गेम, इसको फिर हमने मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। थोड़ा सा आपका वो फॉल आउट कर दे तो और डाल लें, ठीक है। हाइलाइटर को मिक्स करके मैं इसी तरह अभी आजकल बेस बना रही हूँ, वो मेरी अच्छी बन रही है, बड़ी अच्छी ग्लोई सी बनती है, ठीक है। पूरे फेस पे आपने लगा लेना, ओके। बेस मैंने पूरे फेस पे अपने लगा लिया है, ओके। तो बेस को अच्छी तरह से हमने टैप टैप करके पूरा इसको ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड असल काम जो होता है ना वो ब्लेंडिंग का ही होता है, ब्लेंड आप सही तरह नहीं करेंगे तो वो आपको फिर तंग करेगी, सही है। इसके बाद हम थोड़ा बहुत ये हाइलाइटर लगाएंगे, जहाँ आपके थोड़े बहुत इश्यूज है ना, पिंपल शिम्पल, वहाँ थोड़े ज़्यादा लगा लें। थोड़ी बहुत रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, सही है, बस थोड़ा बहुत कवर कर लें जहाँ आपको लगता है कि आपके इश्यू हैं जिन। और आजकल महान ज़रा ये डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे। हम अपना जल्दी से वो लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, ब्लश लगा लेते हैं। ब्लश अभी मुझे नहीं रहा, जब कुछ चाहिए होता है ना तब कुछ नहीं मिलता, और आज पता नहीं क्यों मैं थोड़ी सी तैयार होने में ना ढीली चल रही हूँ। ओके, तो हम ब्लश लगा लेंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया मैं कंटूर इतना करती नहीं हूँ, मैं ब्लश से ही ना थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। नहीं, एक तो कंटूर मुझसे इतना सही होता भी नहीं है, तो मैं फिर इसी से कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए ब्लश के बाद ना आपकी थोड़ी गेम उठ के आती है सामने, फिर आपको लुक नज़र आता है कि अच्छा ऐसा हुआ है मेकअप, ठीक है। और अपनी गर्दन को नहीं भूलिएगा, वरना वो किसी और एरिया की लगेगी। लिप भी लाइन कर लेती हूँ, लिप लाइन के लिए वैसे तो मैं एक डार्क ने लाई थी, पहले मैं इस कलर से कर लेती हूँ, किसी भी
डार्क पिंक कलर के। अरे मैंने वो लगाया था लिप प्लमर, वो मैं थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ और अब मैं अपने लिप्स को ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, आज मेरा मूड फुल ऑन ना रेड रेड लिप्स का है, तो हम लगाएंगे आज फुल रेड लिपस्टिक। और मैं ढूंढ रही हूँ कि मैंने रखी कहाँ है, अभी मुझे मिल नहीं रही लिप कलर। ये लिप लाइनर भी था ना मेरे पास, ये लिप लाइनर है ना, इससे भी मैं लगा रही हूँ, इससे अच्छी तरह लग जाता है। और मेरा लिप कलर नहीं मिल रहा, लिपस्टिक मेरा एक बहुत ही डार्क मजे का कलर है, वो भी मेरा मिलता है, तो मैं वो वाला शेड लगाएंगे हम आज। अच्छा हाँ, ये सामने रखा हुआ, सामने रखा हुआ है और मुझे मतलब नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये कलर है, ये मेडोरा का है, इनके पता नहीं मुझे बहुत शेड ना अच्छे लग रहे हैं। ये करने के बाद अपने लिप्स को टैप 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 करेंगे ऐसे, आप लिप्स को ना जोर से दबाएं। होने के लिए हम थोड़ा सा इस पे लिप कोई भी पाउडर लगा के टैप टैप करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं। ताकि ये लॉन्ग लास्ट करे। हमारी लिपस्टिक तो हो गई है जो मुझे अभी तक फाइन लग रही है। सही है, इसके बाद हम अपना जो हाइलाइटर है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत आप अपने नेक को भी पाउडर कर लीजिए, क्योंकि आप आज जो हेयर स्टाइल है वो मैं सोची हूँ कि ओपन ना छोड़ूं बाल, इसलिए थोड़ा सा नेक को आप अपना अच्छी तरह से डस्ट आउट कर लें, मतलब थोड़ा सा पाउडर कर लें। सही है, ये कर लिया। और इसके बाद आप इसमें अपना हाइलाइटर, ज़्यादा आ गया, हाइलाइटर लगा के पूरी नेक पे आप इस तरह कर लें, थोड़ा बहुत यहाँ पे भी देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत इसको ऐसे करके हम इसको फैला देते हैं। सही है, हाइलाइटर भर सकते हैं ना, उतना आप भर लें, कोई मसला, कोई मसला। ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो यहाँ मुझे लग रहा है मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है। लैशेस मैं सोच रही हूँ कि लगाऊँ या ना लगाऊँ, वो मैं अभी थोड़ी देर में देखती हूँ। और बाकी हम एक काम करते हैं, जब तक मैं अपनी शर्ट चेंज करके आती हूँ, ताकि हम फिर अपने बाल स्टार्ट करें। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपनी शर्ट चेंज करके आती हूँ और फिर हम बाकी का करते हैं। ओके, तो यहाँ मैं अपने बाल छाल बना चुकी हूँ, लेकिन मेरा कुछ मूड हो रहा है साइड से, थोड़ी बहुत ज़रा हम लटे शटे निकाल लेते हैं। आज मुझे हो रहा था कि मैं अपना कोई बन छन ही बनाऊँ ना, मुझे आज बाल ओपन रखने का कोई मूड नहीं हो रहा था, तो क्योंकि आज जो मेरा सेट है ना वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, उसके साथ यही वाला हेयर स्टाइल जाता, उसके साथ आपका वो वाला नहीं जाता, ओपन हेयर नहीं जाते ना। जी मेरा सारा खराब हो रहा है स्टाइल, क्योंकि अच्छा चलो निकालते हैं। अब जब बन बना लो ना और उसके बाद बाल निकालना इतना मुश्किल काम है, तो खैर हम निकालते हैं थोड़े बहुत बाल।
फिर करते हैं कि आगे क्या सीन है, क्या क्या करना है हमने। ऐसे मैं सोची हूँ इसको भी थोड़ा बहुत निकालूँ, थोड़े थोड़े करके निकालती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से अभी ये अपना बन बना लिया है, और ये अगर खुल गया ना तो फिर नहीं बनने वाला मुझसे। तो इसको अभी हम कुछ करते हैं, हल्की हल्की सी हम लटों को आगे लाते हैं, क्योंकि बहुत मेरे पास मेरे ऊपर ना टाइट बन भी नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं सोची हूँ कि थोड़ा बहुत हम यहाँ से निकालते हैं इसको और फिर इसको कुछ करते हैं। चले मैं ये निकालती हूँ जब तक, और जब ये पूरी निकलती हो ना तो फिर मैं बताती हूँ मैं इसका क्या करने वाली हूँ। अच्छा, तो मैंने अभी ये कर्ल्स कर लिए हैं, कर्ल्स डाल लिए हैं। मुझे बिल्कुल स्लीक थोड़ा सा वो लग रहा था, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था ना, तो मैंने ऐसा कर लिया है। अब इसके बाद हम अपने इयररिंग्स पहन लेते हैं। पहनना सबसे मुश्किल काम है, और ये इतने कोई भारी है ना, 1-1 किलो के हैं ये। लेकिन फैशन करना है तो पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, कान में भी मैं पहन लेती हूँ। जब आप रेड लिपस्टिक लगाते हो ना, आपको पाउट करने का मन होता है, पाउट। ये मेरा लुक। अभी हम अपना नेक का भी पहन लेते हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ पे अपना मैंने ये लुक कर लिया है, फुल लुक मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। तो यहाँ मैंने चूड़ियाँ भी पहन ली हैं, चूड़ियों वाला काम भी हो गया, और ज्वेलरी भी अभी मैं पहन लेती हूँ, सिर्फ रिंग्स पहननी है और कुछ और तो कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने अभी थोड़ी देर में भी की थी। मैंने लैशेस पे, क्योंकि लैशेस नहीं लगाई हैं तो मैंने मस्कारा लगा लिया था, और अंडर आईज़ को भी थोड़ा सा मैंने कर लिया था सही। तो होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फुल लुक मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। खैर, ये है मेरी आज की फुल लुक, और मैंने नीचे रेड के साथ इसको कॉम्बो किया है, रेड एंड ग्रीन का ये कॉम्बिनेशन है, और वैसे तो लाइट में बहुत अच्छा लग रहा है, तो होपफुली आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी वो किया हुआ है, अपना फ़ोन स्टैंड पे लगाया हुआ है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं यहीं से आपको दिखा दूँ। तो ये थी मेरी आज की लुक, और मैंने आपसे शेयर की। थोड़ी सी पीछे मैंने अपने जो मेरा बन है ना, इस तरह से मैंने इसमें बीड्स छोटे छोटे लगा दिए, इस तरह से मैंने ना बन को कर्ल्स जो किए थे उनको बन की शेप में बनाया, और फिर छोटे छोटे मेरे पास पर्ल्स पड़े थे वो मैंने इसके अंदर डाले, तो ये बड़ा अच्छा सा ना मैसी से एक बन गया है। तो मुझे आज ओपन नहीं रखने थे बाल। तो ये थी मेरी फाइनल लुक, सांस मेरा फूल चुका है। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, मज़े के ब्लॉग में इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर 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 कर दीजिएगा, और मुझे ज़रूर अपडेट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।